I'm with the people here, the civilians who are defending their city. They have their weapons. You can see me with the, they say the people, this is a supply center, this is Ramanov, and they're sitting with there. These are local citizens. They are the local people here. Can I just touch it, please? They're the local people here who are defending their city. They have weapons. This is real Kashnikov, and they are civilians who have been given weapons, and they want to fight for the country now. You see, this is their supply center. You see here, these are civilians. These are not soldiers. But look, they are ready with weapons, and they are ready to defend the city and their country. हमारे संवाददाता राजेश पवार उन तमाम नागरिकों के साथ हैं जो इस समय हथियार उठा चुके हैं और अपने हथियारों के साथ, मतलब एक बेसिक प्रशिक्षण कि किस तरीके से उसको लोड किया जाता है, कैसे गोली उन्हें दागनी है, ये सारी चीजें अब जितना भी संभव हो सके कम समय में वो बताए, उन्हें समझाया गया है और हथियारों की सप्लाई हुई है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की सप्लाई हुई है और उसे पहनकर वो बिल्कुल तैयार है कि अगर कीव राजधानी में किसी भी तरीके से अंतिम बात तक आता है, मोर्चे तक आती है बात, तो ऐसा करेंगे। लेकिन मुमकिन है, मुमकिन है, देखिए बेलारूस के गोमेल में, माफ कीजिएगा, मिंस में पिछला अग्रीमेंट था, इस बार गोमेल का पेशकश उनकी तरफ से किया गया है। टाउन है, अगर आप इस तरफ चेर्नोबिल के बिल्कुल ऑपोजिट गोमेल है और गोमेल में अगर ये बातचीत हो सकती है, इसका मतलब जो यूक्रेनियन फोर्सेस के लीडर्स भी, जो मिलिट्री टू मिलिट्री भी शायद कुछ बातचीत हो सकती है। गोमेल से सिंबल निकलता है कि कुछ रशियन और यूक्रेनियन मिलिट्री की भी बातचीत हो सकती है बिसाइड डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे। तो श्वेता, सब चाहते हैं बातचीत हो, लेकिन कंडीशंस ऐसी हैं तीनों, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि तीनों कंडीशंस ऐसी हैं जो अगर आज यूक्रेनियन प्रेसिडेंट मान लेते हैं तो ये तो बैटल ही नहीं शुरू होती। तो उन, और अगर आज पुतिन उन तीनों कंडीशन से बैकआउट कर जाते हैं खुद, तो पुतिन बिल्कुल मार्जिनलाइज हो जाएंगे, अपने अपनी कंट्री में मार्जिनलाइज हो जाएंगे, भारत दुनिया की तो दूसरी बात है। मैं समझता हूं ये भी एक पॉलिटिकल वो है, जैसे येलेंस्की ने पहले दिन क्या किया, मैं कमजोर हूं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, ये सब इनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, मुराल रखना नेशंस का, दूसरे नेशन में अपने पॉपुलेशन को अपील करने का ताकि वो इस वॉर को जस्टिफाई कर सके, ये सब जो है इनका, मैं समझता हूँ क्रिटिकलिटी डिपेंड करती है कि कीव में कितनी रेजिस्टेंस होगी, कीव में कितना इजी ऑपरेशंस होगा और कितना मिलिट्रली आप अगले दो दिन में गेन करेंगे, सब उस पर निर्भर करता है।